लास्ट लेक्चर्स मैंने तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ाया था सेल कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशंस होता है सेल का, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सेल का, और उससे रिलेट करता हुआ मैंने तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स कराया था। और वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी तुम सीरीज कॉम्बिनेशंस या पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, मतलब सेल के जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया, किरचॉफ्स मेथड हमने बात कर ली कि जंक्शन रूल क्या होता है, लूप रूल क्या होता है, हमने सुपरपोजिशन मेथड भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने बेसिकली, आप बात करो तो बैटरी में सेल कॉम्बिनेशंस में हमने सीरीज और पैरेलल भी डिस्कस किया। उसके बाद मैंने तुमको ये कहा था कि मिक्सचर मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना आज कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ एक मेथड होता है जैसे कि कैसे रिडक्शन से मेथड के सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो रिडक्शन से कैसे होता है या पाथ सिमेट्री कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। और एकदम बेसिक से लेके चलूंगा मैं, जो भी आप, हो सकता है कि ये सारे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बट हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ताकि उन बच्चों को भी आसानी हो जो कि सर्किट्स के अभी नए नए स्टार्ट किए हैं सम्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों का ये था कि सर आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से डिस्कस कर रहे हो, आप थोड़ा सा इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में भी बताओ। तो मैंने वो सेक्शंस बताया था, मैंने उस वक्त भी बोला था कि इन बिटवीन ऑफ द सेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखो आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो सेक्शंस है ना, इसको तुम लोगों ने 10th में खूब मजे ले लेके पढ़े थे कि सीरीज कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई कर लो तो उसको ऐड कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर लो तो उसको ऐड कर लो, तो ये सब तुमने बड़े मजे लिए थे वहां पे, ठीक है। और एक्चुअल में ये है भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आज भी इसको मजे ही लेके सॉल्व करो, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा कैलकुलेशंस ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इज दैट क्लियर। चलो अब ध्यान से मेरी एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है मेरा यहां पर मेथड ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है। अब इस मेथड के बारे में देखो, ये मेथड देखो लॉजिकली बहुत आसान होता है, ठीक है। और यही मेथड हम लोग 10th से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें एक्चुअल में आपको क्या आइडिया होना चाहिए, किस तरह से हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो सक्सेसिव मेथड इज वेरी इजी, ठीक है। और ये बेसिक्स मेथड है जो मेरे हिसाब से तुमको आता होगा, बट फिर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो हम डिस्कस कर लें, जिनको नहीं आता है वो इनकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे तुमको पता है कि रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, R1 + R2 + R3, ठीक है। अगर इनके तीन रेसिस्टेंस सीरीज में बना हुआ है तो, मतलब दिस कंडीशन ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए अगर इक्विवेलेंट निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 करेंगे। अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर इनके पैरेलल में है तो अगर मुझे 1/R इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं और क्या लिखते हैं, 1/R + 1/R1, 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ये कब कंसिडर करते हैं, जब हमको इस तरह से पैरेलल में रेसिस्टेंस दिए हुए हैं तो, ठीक है। दैट मीन्स ये R1 है, ये R2 है और ये इज इट क्लियर। ये सिंपल फॉर्मूला था, मैंने सोचा एक बार रिवाइज कराते हैं। ओके चलो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास इस तरह से कुछ दिया हुआ है, देखो ऐसा कुछ रेसिस्टेंस बना हुआ है, ऐसा है, ठीक है, क्लियर, ऐसा बना हुआ,
और जिनको आता होगा ना ये सम्स, वो फट से सॉल्व करने लगना, ठीक है। और मुझे यकीन है कि जो तुम सॉल्व करोगे, मैं नाम ले रहा हूँ तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सक्सेसिव मेथड है, बट आई नो कि ये तुमको आता है, ठीक है। चल देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ समझो दिस बिकम आर और दिस बिकम आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज रेसिस्टेंस है ये आर और आर, दिस बिकम टू आर, दिस बिकम टू आर और दिस इज ऑल्सो टू आर और दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। और यहाँ पे समझो ये दिया है मेरे को और यहाँ से ऐसा बना हुआ, ठीक है। मतलब ये समझो ये एम पॉइंट से इंटर हो रहा है और एन पॉइंट से बाहर निकल रहा है, क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि मेथड ऑफ सक्सेसिव जो है वो सबसे इजी मेथड है और इसको बड़े आसानी से तुम क्लिक कर सकते हो। तुमको बस आइडेंटिफाई करना है क्या है, इसी तरह तुमको पता चल जाए कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इसको, ये जितना इस तरह का पॉइंट दिया है सबको नाम दे देता हूँ। दिस इज पी, दिस बिकम क्यू, दिस बिकम आर, एस और ये एन तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर इस सक्सेसिव मेथड को आप आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे तो आप देखो क्या करोगे। मैं दूसरा मार्कर कलर यूज करता हूँ, आप ध्यान दो। यहाँ से क्या होता है, एक करेंट इंटर होता है। जब भी हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, जिस पॉइंट्स के अबाउट हमें निकालना है उस पॉइंट से क्या करो, एक बैटरी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि ये जो पॉइंट से निकालना है यहाँ पर तुमने एक सिंपल ऐसे ज्यूम करके एक बैटरी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये बैटरी का क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से करेंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। और जितना करेंट यहाँ से फ्लो करता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द बैटरी, उतना करेंट क्या होगा यहाँ पे वापिस आना चाहिए, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि हम क्या करेंगे कि कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा और वही कुछ करंट हम क्या बोलेंगे, इस जगह भी जाएगा, कुछ करंट इस जगह जाएगा, कुछ करंट इस जगह जाएगा, इस जगह जाएगा, मतलब आई करंट जो होगा इतने सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो कि बिकॉज ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ से देखना पी और एम वाले में ये आर रेसिस्टेंस है और पी क्यू वाले में भी आर रेसिस्टेंस है, तो जो करेंट, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, अरे बात समझ, मतलब करंट का जो फ्लो होगा ये दोनों में क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। जब करंट का फ्लो अगर सेम मिलता है तो उस तरह के कनेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन, कहीं दिक्कत नहीं, इतनी बातें आ रही है समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आर और आर अगर सीरीज में हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, टू आर, आ रही है बात समझ में, ध्यान से समझते जाना। देखो ये आर जो है, ये आर और ये जो आर है, ये दोनों आपको क्या दिखेगा, सेम करंट यहां से यहां, ये जो फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, इज दैट क्लियर। अगर तुमको कहीं दिक्कत है तो तुम ऐसे कर लो, इसको आई वन लिख लेना, इसको आई टू लिख लेना और यहां से जो आ रहा है ये आई थ्री और दिस बिकम आई फोर और ये मेरा गया आई फाइव, ऐसा हम डिवाइड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो ये ऐसा चला गया तो फिर वापस यहां आ गया, तो ऑब्वियसली जो आई वन करेंट है वही सेम करेंट यहां पे आएगा, ठीक है। अगर सेम करंट आता है तो जो फ्लो ऑफ द करंट किसी सर्किट्स में अगर सेम रहता है, एक रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस तीसरे रेसिस्टेंस, अगर करंट जो होता है सेम होता है तो हम वहां पर क्या बात करते हैं, वहां पर हम ये बोलते हैं कि उस जगह वो जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का वो कैसा है, पैरेलल, सॉरी सीरीज, ओके। तो देखो अब यहां पर है तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, ओके। तो दस बिकम बेटा एम, ये पॉइंट क्या है मेरा, यहां देखो ये M पॉइंट है जहां से हमने करंट एंट्री कराया है। अब ये देखो R और R जो है मिलके सीरीज में क्या बन गया, 2R, और ये वाले 2R में बिकॉज यहाँ I2 है और यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों में डिफरेंट करंट है, इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस क्या होता है कि दोनों के सेम क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, तो ऑब्वियस ही बात है यहां से यहां जाओगे तो ये भी 2R रेसिस्टेंस को पार करता हुआ जाएगा और ये भी 2R रेसिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा तो ये R और R, 2R और ये 2R, तो ये दोनों पैरेलल में मिलके क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली R हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा कि अब इस जगह जो है, ये देखो ये वाला, ये जो सेक्शन है ना, मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो सेक्शन है अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और इसको रिड्यूस करके हमने क्या बना लिया, देखो ऐसा, और ये क्या हो गया रिड्यूस करके आर, देखो इतना सेक्शन हो गया। अब ये पॉइंट क्या है मेरे पास, क्यू,
ठीक है। अब यहां देखो क्यू के साथ ये जुड़ा हुआ है, दिस बिकम आर, ठीक है। अब यहां देखो इसके साथ फिर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही लिख देते हैं। देखो ये क्या है, आर पॉइंट है, तो इसके साथ ये क्या जुड़ा, टू आर, ठीक है ना, स्मॉल टू आर। फिर देखो अब इसी के साथ देखो ये वाला हो गया, अब एस पॉइंट, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक और रेसिस्टेंस आएगा, दिस बिकम आर, ठीक है। अब ये देखो ये ऐसा है, तो दिस इज ऑल्सो टू आर, ठीक है। और यहां से तुमको ये क्या था, एस, और इस जगह ऐसे रेसिस्टेंस था, और ये क्या था, ये पॉइंट देखो इसके साथ भी एक रेसिस्टेंस आर लगा हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, एन, और ये भी क्या है, आर, और यहां से करंट हमें वापस मिल रहा है। अब देखो इसके बाद ये रिड्यूस होकर ऐसा आ गया। अब यहां से मैं ज्यादा रिडक्शन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब तुमको आइडिया लग गया होगा कि वापस अगर तुम कॉन्सेप्चुअली ध्यान से देखोगे तो दिस आर और दिस आर वापस क्या हो जाएगा, सीरीज में, और इस टू आर के साथ क्या हो जाएगा, वो बोलो पैरेलल, तो आर और आर क्या हो गया, वापस टू आर, और ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया वापस हमको, टू आर और आर, टू आर है ना, ये टू आर और ये टू आर वापस पैरेलल मिलके क्या बन जाएगा, आर। फिर ध्यान से देखो फिर ये जो टू आर है और ये वाला जो आर है, ये दोनों वापस मिलके क्या हो जाएगा, फिर सीरीज हो जाएगा, फिर टू आर, और ये टू आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर, ये बस है, ये क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये तुमको कैसा दिखेगा, देखो ये तीनों, देखो ये इस तरफ से जाएगा तो करंट तो टू आर, और ये सॉरी ये क्या हो गया, अब आर तो आर और आर टू आर, और टू आर और आर को हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आर और आर टू आर सीरीज में हो जाएगा, और ये आर के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब मैं सीधा लास्ट कॉम्बिनेशन में जाता हूँ, ओके। तो लास्ट कॉम्बिनेशन जो हमको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा क्या, ओके। उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि ये वाला आर, ठीक है ना, यहां से हम इस तरह से बनाएंगे, ये पॉइंट क्या था मेरा एम, और ये पॉइंट क्या है एन, जहां से ये करंट बाहर निकल रहा है, ओके। और वापस क्या दिखेगा तुमको, इस जगह ऐसा, और एक तुमको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आर, और ये ऑटोमेटिकली क्या बचा हुआ है, आर। अब देखो आर और आर क्या हो गया, सीरीज में, और ये क्या हो गया, पैरेलल में। तो इसके बाद का जो रिडक्शन मेथड है, देखो यहां हम कर लेंगे ना, तो इसके बाद का रिडक्शन मेथड क्या दिखेगा तुमको, एम, और इधर से देखो ये रेसिस्टेंस ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एन लिख देते हैं, तो देखो आर और आर क्या हो गया, टू आर, और टू आर और इसके साथ क्या है आर, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल जब जिसको जोड़ेंगे तो मिलके क्या हो जाएगा, टू आर बाई थ्री। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव रिडक्शन निकालते हैं, ठीक है। ये सिंपल था, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो एक और सर्किट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है मेरा, इस एग्जाम्पल्स को समझो, एग्जाम्पल सेकेंड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे समझ लो, ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस जगह रेसिस्टेंस बना हुआ है, इस जगह रेसिस्टेंस बना, ओके। फिर इसके साथ, जस्ट सेकेंड, इसके साथ एक रेसिस्टेंस यहां बना हुआ है, ओके, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस ऐसे बना हुआ है, डन। और यहां से भी एक रेसिस्टेंस ऐसा बना हुआ है, दिस, ओके। और ये टर्मिनल दिया हुआ है मेरा ए, ठीक है, और ये बड़ा टर्मिनल दिया हुआ है बी, क्लियर। ये दे रहा है हमें 4 ओम, ये दे रहा है हमें 4 ओम, और ये दे रहा है हमें 3 ओम, और ये दे रहा है हमें 6 ओम, और ये दे रहा है हमें 3 ओम, और ये दे रहा है हमें 3 ओम। ये है हमारे पास, कहीं दिक्कत है इतनी दूर में आपको, नहीं ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको ए और बी के बीच में क्या देखना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इस जगह तुमको निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है तुम क्या करोगे, वापस ए बी से बैटरी जोड़ोगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर यहाँ से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ तक जो इसके ड्रॉप होंगे पोटेंशियल, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा,
फिर यहाँ पे आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस होने के कारण, तो फिर यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में तुमको डिफरेंट करंट होगा जो कि यहाँ और यहाँ में बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस कंडीशंस में तुमको ये 3 ओम और ये 6 ओम तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल। जब ये पैरेलल कंडीशंस में होगा तो इनका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सिर्फ ये दोनों रेसिस्टेंस का, तो क्या लिखोगे आप, 3 × 6/6+3 मतलब 18/9, दिस बिकम 2 ओम। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब यहां पे देखो मैं रब कर करके बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। देखो अब इसका मतलब ये वाला सेक्शन हट गया, ये अब है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब यहां पर ये हट गया तो ये, वो देखो इस जगह पर क्या आ गया मेरे पास, 2 ओम, ठीक है, यहां पर समझ। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 ओम, क्योंकि इन दोनों को मिला के मैंने एक रेसिस्टेंस बना दिया। अब देखो अब यहां पे ध्यान से समझना, ये 4 ओम और ये 2 ओम क्या हो गया सीरीज में, तो ये 6 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। तो फिर अब इन तीनों का निकालोगे आर इक्विवेलेंट तो क्या लिखोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 × 3, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा ना, 6 × 3/6+3, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर वापस ये 2 ओम हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 2 ओम मतलब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से देखो वापस से अब इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हट गया, क्लियर है, और इसको देखो ऐसा हो गया ना। अब यहां पे समझो, अब ये तो 4 ओम था ही, ठीक है, अब ये जो है ये भी घट के क्या हो गया, 2 ओम हो गया। अब 4 और 2 वापस से कर लो 6, और ये तो नेट तुमको क्या मिल जाएगा, अब यहां से अब इन दोनों को वापस करो क्योंकि ये सीरीज है, 6 हो जाएगा फिर ये, तो फिर अगर हम इसका नेट आर इफेक्टिव देखेंगे तो क्या मिल गया, 2 ओम। आई बात समझ में, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सक्सेसिव मेथड, और ये बहुत आसान मेथड है जो आपने पहले भी किया होगा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक चीज को यहां समझना, ठीक है, एक कंडीशंस और हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखो एक टर्म्स होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसके मतलब समझो, देखो मैं बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, मैं सब बताऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक एक पॉइंट हम बात करेंगे। देखो अब मेरी बात को समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होता है इसके बारे में बात करो, ठीक है। तो देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का मतलब वो होता है कि वो पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ऐसे कंसिडर कर लो, इस तरह से रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, यहां देखो ऐसे, ओके, ये बना हुआ, ओके, दिस बिकम अ फर्स्ट और ये है मेरे पास सेकंड, ठीक है। तो यहां पे समझो कि अगर सपोज करो यहां पे कि इस जगह से करंट आ रहा है, इस जगह से करंट आ रहा है, तो यहां पर आएगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होके आएगा। अगर तुम ये कहोगे सर ये मतलब ये सेम है रेसिस्टेंस आर आर और आर है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर यहां से अगर I1 जाएगा यहां से I2 जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो दोनों पोटेंशियल ड्रॉप मिलकर सेम आएगा यहां पर, है ना, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट पे आके क्या होगा, जंक्शन पॉइंट है तो ऐड हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल यहां मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है कि जब फर्स्ट और सेकंड तक हम यहां जाएंगे तो यहां पे बिकॉज कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है यहां पर, तो ऑब्वियस ही फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहां पर तुम ये कह सकते हो कि इस पॉइंट का जो V1 होगा और इस पॉइंट का जो V2 होगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं I × R, बोलो लिखते हैं ना, तो चेंज इन पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, 0, मतलब I × R विकम्स क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहां मुझे बताना कि अगर I × R को अगर आप 0 कर रहे हो, ठीक है, कि I × R सर 0 हो गया, तो अब ये बताओ कि R और I क्या कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर मैं इस कंडीशंस में जाऊं तो पहला केस तुम ये लिखोगे, ठीक है, कि यहां पर क्या है इस एक कंडीशन में कि रेसिस्टेंस अगर 0 है तो इसका यह मतलब नहीं है कि करेंट 0 होगा। अरे बात समझ में, रेसिस्टेंस 0 कम होने का मतलब यह नहीं होता करेंट 0 होता है, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल होता है। तो इस तरह की चीजों को ही हम आगे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यहां पर क्या होता है शॉर्ट सर्किट। बट इन द केस अगर ऐसा तुम कंसिडर कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 है, तो अगर तुमने ऐसा कुछ बनाया कि नहीं चलो हम ऐसा सोच लेते हैं कि I becomes 0,
आई जीरो है, तो आई कब जीरो होगा, जब रेसिस्टेंस क्या होगा वो इक्वल टू इन्फिनिटी के आसपास हो जाएगा, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो जाए तो ऐसा होगा, ठीक है। तो भी हम कंडीशन ये देते से करंट पास नहीं करेगा, आ रही बात, तो भी ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इस तरह के सेक्शंस को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहीं दिक्कत नहीं, मजेदार है, समझ में आया बहुत अच्छे से। तो ये याद रखोगे कि आर इज इक्वल टू जीरो ये कंडीशन बन रहा है, तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ओपन सर्किट का केस, ठीक है। देखो तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली हमने ये बताया कि अगर ये दो पॉइंट्स है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इक्विपोटेंशियल पॉइंट में क्या बोला हमने कि ये दो पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है तो उनको इक्विपोटेंशियल कहते हैं, मगर इक्विपोटेंशियल में अगर सेम होता है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखा हमने, आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। जीरो आने का मतलब क्या है, या तो रेसिस्टेंस जीरो हो जाए या करंट जीरो हो जाए। अगर रेसिस्टेंस जीरो होता है और वहां करंट जीरो नहीं होता है तो मैंने बोला उसको बेसिकली हम लोग ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं, इज इट क्लियर। बट आर इन्फिनिटी हो जाए, आर बहुत बड़ा हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है उस कंडीशंस में करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशंस ये बोलते हैं। अब यहां पे समझो एक टर्म्स और बेटा यूज करते हैं हम, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, ठीक है। चलो अब इस टर्म्स को भी समझना एकदम ध्यान से, मेरे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि जब हम सर्किट्स के और डिफिकल्ट सम्स बनाएंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करेंगे हम, ठीक है। देखो अब इस टर्म्स को समझना, इस बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री क्या होता है। देखो यहां पे समझो, ये बड़ा मजेदार है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मतलब, सिमेट्री का मतलब तुम ऐसे समझ लो, जैसे सपोज करो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ एक रेसिस्टेंस बना हुआ, यहाँ एक रेसिस्टेंस बना हुआ, ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में। अब यहाँ देखो ये पॉइंट्स मैं बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट सी ले लेता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट ए ले लेता हूँ। ये भी आर रेसिस्टेंस है, ये भी आर रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्कस करो कि देखो अगर सपोज करो यहाँ से करेंट आया तो ऑब्वियसली वो करंट इधर भी जाएगा, वो करंट इधर भी जाएगा, डिवाइड हो गया। अगर वो डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि सेम करंट, क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा बी और सी का क्या होगा, सेम आएगा। जब ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम आता है तो मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी और सी जो है इक्विपोटेंशियल है ना, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है। तो अगर तुमने इसको क्लोज बना के अगर ऐसे भी बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब एक छोटा सा केस बताना मुझे, ठीक है, कि जैसे सपोज करो ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, ठीक है। ये ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ मेरी बात को समझना, देखो अगर तुम सी के बारे में बात करोगे, सी के बारे में और डी के बारे में, तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इस सर्किट को हम रिड्यूस करके कैसे बना सकते हैं, देखो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तुम ऐसे बना सकते हो, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, और सी और डी पॉइंट यहीं पर आ गया और ये ए और बी हो गया। तो अब क्लियर है कि इस जगह आ गया, अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब करंट का फ्लो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो अब हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो वो रेसिस्टेंस कैसा होगा, वो तो उधर करंट ही नहीं जा रहा, तो उधर तो हम कंसिडर कर नहीं सकते। तो ये आर और आर हो गया, ये ए और बी हो गया, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू आर। एकदम सिंपल और आसान भाषाओं में, ठीक है, आया बात समझ में। इक्विपोटेंशियल को हम कैसे देखते हैं किसी क्वेश्चंस में, मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। अब देखो एक एग्जांपल ऐसे ले लो और ये तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ,
एक्चुअल में मैं सिर्फ उन बच्चों का प्लान करके नहीं बैठा, मैं उन बच्चों का भी प्लान कर रहा हूँ जो कि बेसिक्स में भी उनको दिक्कत आती है और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने साइंस क्यों ले लिया। तो मुझे साइंस एक्चुअल में बहुत प्यार है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इससे हेट करे। तो दैट्स द रीज़न मैं एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? देखो ये कंडीशन है, ओके? आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को समझो। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 1 ओम है, ठीक है? और हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है? तो देखो ये भी बड़ा आसान है, सिंपल है, कि यहाँ से क्या करते हैं, अपने एक बैटरी ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया, देख लो, दिस बिकम अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस बिकम अ निगेटिव टर्मिनल। जब भी इक्विवेलेंट निकालना हो तो इस चीज़ को याद रखो। अब देखो ये जो पॉइंट्स है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा, समझे? और देखो यहाँ से कुछ करंट आएगा जिसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे देखना, मैं अलग मार्कर करके तुमको बताता हूँ। देखो इस रास्ते में, जब इस वे में जा रहे हैं हम, इस वे में, तो इस रास्ते में एक रेसिस्टेंस पड़ रहा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जितना पोटेंशियल यहाँ कहीं ना कहीं ड्रॉप होके कुछ मिलेगा। मगर तुम ऊपर वाला रास्ता देखोगे, ये वाला रास्ता जो देखोगे ऊपर से जो जा रहा है, उस रास्ते में देखोगे तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। और वही चीज़ देखो, यहाँ से उतरने के बाद यहाँ जो पोटेंशियल, फिर सेम वायर में फिर इधर जाएगा, तो हर जगह तुमको क्या दिखेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना आपको? तो ऑब्वियसली बात है करेंट क्या हो रहा है, हर जगह अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पर करेंट का वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, आ रही है? बट सेम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा आपको क्या, पोटेंशियल, ठीक है? तो ये तीनों आपको कैसा दिखेगा, ये तीनों आपको कैसा दिखेगा, ये तीनों आपको पैरेलल में दिखेगा। मतलब कहानी क्या हो गई, कि इनको अगर हमको बनाना है तो ऐसे बना देंगे। देखो ये क्या है, 3 ओम, ये 6 ओम और ये 1 ओम, मतलब आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 1/3 + 1/6 + 1। अब यहाँ से आंसर तुम निकाल लो, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चंस और हम करते हैं, ठीक है? अभी मैं बड़े इजी इजी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तुमको खुश कर रहा हूँ, ठीक है? कि थोड़ा सा खुश हो जाओ, मेरी वीडियोज़ में थोड़ा ध्यान दो, और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे लाइक्स बढ़े, मेरे डजंट मैटर, इट्स नॉट अ पॉइंट, बट चलो देखते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि इस तरह से क्वेश्चंस बना हुआ है, ओके? यहाँ एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे है, क्लियर? और यहाँ एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है। इस तरह से जाने का मतलब क्या होता है, कि वायर क्रॉस नहीं कर रहा, ऊपर से निकलता हुआ जा रहा है। दिस बिकम आर, दिस बिकम आर, और यहाँ पे हम बात करें तो ये ऐसा है, दिस इज ए और दिस इज बी, और इसके बीच हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? तो चलो अगर तुमने इस पॉइंट को 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है, इसको 3 लिखा है, इसको 4 लिखा है, तो देखो जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, 1 का भी होगा, और ऑब्वियस सी बात है सेम जा रहा है तो यहाँ पे वही पोटेंशियल 3 का भी होगा, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ से ड्रॉप होके जो 2 का पोटेंशियल आएगा वही क्या होगा, 4 का पोटेंशियल आएगा, क्लियर है? कहीं दिक्कत तो नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, कि ये दोनों पे देखो ऐसा और ये ऐसा, ठीक है? तो इस जगह पे अगर तुम कंसीडर करोगे तो इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, देखो ऐसे बना दे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, देखो इस पॉइंट पे A1 और 3, मतलब A1 और 3 एक जैसा रहेगा, ठीक है? तो वो किसके लिए है, ऊपर वाले रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ देखो, और दूसरा जो है तुम्हारा ये ऐसा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल्स में क्या बोलोगे तुम, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 3, सॉरी, है ना, A1 और 3, मतलब 2 और 4, और B, तो यहाँ कह रहे B 2 और 4, ये सेम हो जाएगा। अब ये R है तो ये भी R है, अब बताओ दोनों क्या हो गया, ऑब्वियस ही बात, R और R R/2, बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में? तो तुमको बस यही ध्यान रखना है। देखो मैं वापस से एक बार, ये आ गया यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, ठीक है, क्लियर है ना? तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम, मतलब ये दोनों सेम होगा क्योंकि एक ही रेसिस्टेंस है यहाँ पे ना, तो ऑब्वियसली। और जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है वहां पर हम क्या बोलते हैं, देखो इसका मतलब ये है कि A1 और 3 का ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल, और
टू फोर, और इधर हम बी बोलेंगे क्या है, इको पोटेंशियल। आ रही है आपको बात समझ में? अब अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वन और टू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और फोर और थ्री के पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब भी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है बट करेंट अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गया, आंसर क्या हो गया, आर बाई टू, इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे पाथ सिमेट्री के बारे में, ठीक है? क्योंकि अब ये बेसिक्स है, अब हम अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे, मतलब पाथ सिमेट्री में बात करेंगे, उसमें बात करेंगे कि कैसे पाथ सिमेट्री होता है, कैसे पैरेलल सिमेट्री होता है, किस तरह से परपेंडिकुलर सिमेट्री होता है, टर्मिनल सिमेट्री होता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखो, अभी हमने इतने सारे मेथड्स डिस्कस किए, अब एक और मेथड्स की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया कि इक्विपोटेंशियल होता क्या है, तो अब इस टर्म्स को समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, क्या होता है, ठीक है? तो हम बात करेंगे क्या, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे टर्म्स को समझना, इक्विपोटेंशियल रिडक्शंस में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर पॉइंट्स जो हो, जहां पे पोटेंशियल सेम हो, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल हो। जैसा मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का मीनिंग समझाया, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि इक्विपोटेंशियल मेथड्स में, ठीक है, इक्विपोटेंशियल मेथड जो रिडक्शन का होता है, इसमें जैसे पहला हम लोग कंसिडर करते हैं कि पैरेलल एक्सिस, फिर दूसरा हम लोग कंसिडर परपेंडिकुलर एक्सिस, फिर पाथ सिमेट्री हम लोग बोलते हैं, फिर शिफ्टेड सिमेट्री बोलते हैं। चार टाइप्स को से हम इक्विपोटेंशियल रिडक्शन को निकालते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पैरेलल एक्सिस, ठीक है? जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो होगा पैरेलल एक्सिस, ओके? तो देखो, मेरी बात को समझना कि पैरेलल एक्सिस क्या होता है, मतलब पैरेलल एक्सिस ऑफ सेमेट्री, पूरा लिख लेते हैं, सेमेट्री क्या होता है, सेमेट्री क्या होता है, ठीक है? देखो मेरी बात को समझना, मैं इसको क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल्स के थ्री तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे और ज्यादा आसान रहेगा ये। जैसे सपोज करो, एक एक पॉइंट्स में समझना, देखो ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? इसको m कंसिडर कर लो, इसको n कंसिडर कर लो, ठीक है? और हर जगह हम यहाँ पे रेसिस्टेंस r कंसिडर कर लेते हैं, ओके? अब ये बहुत क्विक समझना, ये बहुत आसान है और बहुत क्विक, और ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो अगर ये समझ में आता है तो। देखो पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या होता है, पैरेलल एक्सिस का बेसिक्स मतलब ये होता है कि आप क्या करो कि जिस पॉइंट्स पे निकालना है, जैसे एम और एन के बीच मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसी को, ठीक है, यहीं पर इसी के पैरेलल एक्सिस बना दो, मतलब इसी पे एक लाइन ऐसे बना दो। देखो ये इस तरह से तुम ऐसे एक लाइन सब देखो, ऐसे ये पैरेलल हो गया, ठीक है, इसके कंडीशंस में। मेरी बात को समझना ध्यान से। अब यहां देखो कि अगर यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है, यहां से, तो ऑब्वियसली वो इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है? तो देखो ये दोनों जो है, ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको सेकंड बोलता हूँ मैं, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ, इसको फोर्थ बोल रहा हूँ, ठीक है? इस वाले रेसिस्टेंस को मैं फाइव बोल रहा हूँ, इसको सिक्स बोल रहा हूँ, इसको सेवन बोल रहा हूँ और इसको एट बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या देखोगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, इसमें करेंट फ्लो कर रहा है। अब ये दोनों पैरेलल है या नहीं है या सीरीज है, ये हमें नहीं आइडिया, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, तो यहां से समझो, इस जगह से तुम देखोगे कि ऑब्वियसली दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, तो यहां से जो करंट पास करेगा, ये वाला करंट सपोज कर लो आई वन मैं मान लेता हूं और इधर वाले को आई टू बोल देता हूं मैं, ठीक है? इस तरफ जो करंट आ रहा है इसको मैं आई थ्री बोल देता हूं, क्लियर है ना? और इस तरफ जो करंट जा रहा है इसको मैं आई फोर बोल रहा हूं, ओके?
इस तरफ जो करंट आ रहा है इसको मैं I5 बोल रहा हूँ, और इस तरफ जो देखो इस तरह से कंसीडर कर लेना, तो देखो इधर से इधर करंट आएगा, और देखो ये वाला जो करंट है इसको मैं I7 बोल रहा हूँ, और इधर जो करंट है इसको मैं I8 बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। और इधर जो करंट आ रहा है इसको मैं I6 बोल रहा हूँ। अब एक एक टर्म्स में समझना ध्यान से, एकदम पैरेलल एक्सिस का, कि देखो अगर तुम यहां से ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तुमको क्या मिलेगा कि I1 करंट और I2 करंट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रेसिस्टेंस सेम है, तो जो करंट होगा I1 I2 का सेम होगा। ठीक है ना, मतलब I2 और I1 के लिए हम सेम बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम I3 और I4 के लिए हम सेम बात करेंगे। इसी तरह से आप देखो ध्यान से, तो I7 और I8 के लिए हम सेम बात करेंगे, और I5 और I6 के लिए हम सेम बात करेंगे। ऐसा है ना कि जब इस तरह से आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस तरह से, और बेसिकली क्या है, करेंट नहीं, इस पॉइंट पे देखो यहां से इस तरफ से जा रहा है, आ रही है आपको बात समझ? तो इसका कंडीशंस क्या है कि फ्रॉम, इसका मतलब है कि ये करंट यहां से सेम जा रहा है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आएगा इसके कारण, ठीक है ना, I1 के कारण, और इसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा आपको। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब पोटेंशियल ड्रॉप यहां से देखो M से लेके, अगर ये पॉइंट चलो इसको मैं X बोल दूं और इसको मैं Y बोल दूं, तो M से X तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस M से Y तक का होगा। तो इस कंडीशन से क्या पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर इसको तुम रिड्यूस करोगे सर्किट को, देखो इसको तुम रिड्यूस करोगे अगर सर्किट को, तो आप क्या कर रहे हो, देखो पैरेलल एक्सिस है, तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, सेम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से I6 और I5 सेम हो जाएगा, I4 I3 सेम, सबको हम क्या करते हैं एकदम बुक की तरह, देखो जैसे ऐसे है ना, ये देखो ये ऐसा है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से उस पर ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही तुम इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये फर्स्ट और सेकंड वाला पैरेलल हो जाएगा, मतलब कहानी ऐसी बन जाएगी। देखो एकदम ध्यान से समझना बेटा, एक एक टर्म्स में, ठीक है, कहानी अब इस तरह से बनेगी। देखो ये है ना, तो ये दोनों ओवरलैप हो गया, तो ये दोनों ओवरलैप करके देखो आर और आर अगर पैरेलल में होगा तो तुम क्या बनाओगे, इसको जल्दी से बता दो, ये R/2 बनाओगे, ये इस तरफ से हो गया। अब ये देखो ये नीचे वाला इसके ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया तुमको, इस जगह बताओ R/2, और ये वाला भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया R/2। देखो ये क्या है R और ये क्या है R, देखो ऐसा मिल रहा है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये हो गया ये M और ये था मेरा N, यहीं पे तो निकालना था। अब यहां से क्लियर है कि देखो, अब मेरी बात को समझना ध्यान से, कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि देखो यहां से जितना करंट जाएगा, मैं दूसरा मार्कर यूज करके बताता हूं, देखो यहां से जितना करंट होगा ऑब्वियसली इस ब्रांच में जितना जाएगा और इस ब्रांच में होगा, ठीक है ना, तो जितना करंट इस ब्रांच से जाएगा ऑब्वियसली उतना ही करंट यहां से रिटर्न होना चाहिए, और इस जंक्शन पॉइंट से जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही करंट इस पॉइंट से आना चाहिए। मतलब तुमको क्या दिखेगा कि यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट जा रहा है, और तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल का, जब इक्विपोटेंशियल हो जाएगा तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो R/2 और R/2 मिलके तुमको क्या बनाएंगे, देखो यहां से ये M हो गया, तो देखो R/2 और R/2 मिलके देखो सीरीज है, तो क्या बना देगा R, और ये देखो नीचे क्या है R और R, ये क्या बन जाएगा 2R, ठीक है ऐसा ना। अब ये दोनों को पैरेलल कंबाइन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस, ठीक है। अब इसी पैरेलल एक्सिस में तुम एक चीज मैं थोड़ा सा अगर कंसीडर करूं तो तुमको परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझ में आ जाएगा, मैं इसी पे थोड़ी सी लॉजिकली समझाता हूं। देखो एकदम ध्यान से समझना इस चीज को, मैं देखो इसी में ये मैंने पैरेलल बताया, अब ये देखो ये जो एक्स लिखा है मैंने, तो इस लाइन को देखो ये वाला, चलो मैं दूसरा ब्लैक यूज करता हूं इसमें, ये वाला लाइन देखो, ये देखो ये एक्स वाला और ये लाइन जो है जिसको मैंने वाई बोला था, ठीक है, इसको देखो, तो ये जहां निकालना है उसका परपेंडिकुलर लाइन है ये, क्लियर है। और तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो I1 वाला है, ये जो है ये रेसिस्टेंस और ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, बट इनका करंट का डायरेक्शन देखो तुम, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, आ रही है आपको बात समझ में। उसी तरह तुम ध्यान से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आप जा रहे हो तो ये लाइन देखो, ये करंट और इस करंट को ध्यान से देखना, और उसी तरह इस करंट और इस करंट को देखो,
अगर तुम देखो ध्यान से, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से जितना करंट आएगा वो देखो वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो ये पॉइंट से तीन फेज में ये करंट निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है ना, तो यहां पर भी ऑब्वियसली जितना करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है, एज इट इज सेम करंट आपको कहां मिलना चाहिए, इस पॉइंट पे, इस तरह से। तो तुमको क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे ये एक्स और वाई वाला जो पॉइंट्स है, यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं किया। जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं किया तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया मतलब यहाँ करंट नहीं जा रहा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। अगर इसकी जरूरत नहीं है तब इसको अब क्या करो, ऊपर से फोल्ड कर लो, मतलब ये खत्म हो गया। समझ में आ रही है? मतलब ये जैसे क्या हो गया, यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। ऐसे बना लो इसको, अगर ये वैल्यू खत्म हो तो आर और आर मिलकर क्या हो गया, 2R, ये आर आर मिलकर क्या हो गया 2R, और ये आर आर मिलकर क्या हो गया 2R। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कंडीशंस में अब देखो कितना आसान हो गया ये निकालना। तुमको दोनों समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस अब तीनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा सेम वही आंसर हमको आर और 2R को पैरेलल करके भी करोगे तो आ जाएगा। देखो जैसे इन दोनों को पैरेलल है ना, पैरेलल में कर चलो निकालता हूँ, अगर मैं 1/r इक्विवेलेंट निकालू तो 1/r कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3/2r, मतलब r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ 2r/3। बोलो डन। अब वही चीज यहाँ पर भी देखो, ये मेरा रिजल्ट था ना, ये किसका रिजल्ट था, पैरेलल एक्सिस से, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां भी हम वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही लिख लो, क्लियर है। अब यहां पे भी अगर हम वैसे ही करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होता है, 1/r कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, और यहां एलसीएम 2 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1+2 मतलब 3/2r, और दैट मीन्स अगर r इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r/3। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ रहा है ना, तो आपको समझ में आया कि आप एक क्वेश्चन को परपेंडिकुलर एक्सिस से करो या पैरेलल एक्सिस से करो, आपको ध्यान देना है। बट क्या ध्यान ऑलवेज रखना है पैरेलल और परपेंडिकुलर में, आपको वो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पॉइंट्स ढूंढना है। अगर ये ढूंढ लेते हो तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने जितनी बातें पढ़ाई है, अगर तुम सोचते हो कि सर आप जो लेक्चर दे रहे हो या फिर जो पढ़ा रहे हो उसको रेफरेंस किस बुक से करूं, तो मेरे लेक्चर्स को अगर रेफरेंस करना चाहते हो पॉइंट टू पॉइंट्स या किसी को, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बेटर बुक जो मैं रेफर करता हूं वो है बीएम शर्मा। तो आप बीएम शर्मा की बुक देखें, आप मेरे लेक्चर्स को उसके पैरेलल देखें, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बेसिकली डिस्कस करेंगे पाथ सिमेट्री क्या होती है, सेप्टेट सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद हम लोग नोडल एनालिसिस भी करंट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर से रिलेट करता हुआ नोडल एनालिसिस मैंने एक लेक्चर आपको दिया है। अब आप आगे मैं उसी के जो कैपेसिटर से नोडल एनालिसिस डिस्कस किया है उसी को पॉइंट ऑफ व्यू बना के हम करंट में भी डिस्कस करेंगे, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स पे उस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिस्कस करने में, और ये बहुत अच्छा मेथड है आपको किसके लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। एक और मेथड है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली स्टार डेल्टा मेथड, और वो भी मैं बता दूंगा, बट उससे कहीं बेटर ये है, मगर फिर भी बाय द रूल्स अगर तुमको जानना है तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे इसी चीज का, पाथ सिमेट्री, टर्मिनल सिमेट्री, और हम बात करेंगे किसका, स्टार डेल्टा का। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।